आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए ब्रज में डेरा डाले हुए हैं। उन पर उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी के साथ ही ब्रज क्षेत्र के चुनाव प्रभारी का भी पदभार है। सी न्यूज के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री का कहना था कि भाजपा इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और ब्रज में भाजपा अपने प्रदर्शन को दोहराएगी। पहले चरण के मतदान में चंद घंटे ही शेष हैं। तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक आगरा सहित पूरे ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय खाक छान रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सह मीडिया उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी और ब्रज क्षेत्र के चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री जी हैं। क्या चुनावी संभावना इस बार आप देख रहे हैं? देखिए, इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मन बनाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। उसके दो तीन कारण प्रमुख मुझे नजर आ रहे हैं घूमते हुए। एक तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी तरह से सुधरी है। जनता ये कह रही है कि ऐसा अच्छा सुशासन नहीं आ सकता। एक तो ये बड़ा विषय है। दूसरा विषय, मोदी जी की जो नीतियाँ देश भर में लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में वो जो धरातल पे उतरी है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे पीएम किसान निधि का पैसा आना हो, चाहे पीएम आवास बनने हो, चाहे शौचालय बनने हो, ये जितनी भी योजनाएं धरातल पे उतरी है, उससे डेवलपमेंट भी दिखता है जनता को और सुशासन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इसके आधार पे जनता ये मन बना चुकी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। मंत्री जी, ब्रज में पिछली बार 65 में से 57 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार क्या संभावनाएं देख रहे हैं, कितनी सीटें जीतने जा रहा है? देखिए, मैं कोई गणित का आंकड़ा लेकर के नहीं बैठा, लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि हम प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में शासन में आ रहे हैं। ब्रज का उसमें महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। 57 को तो क्रॉस करेंगे। 2017 में बात और थी, मोदी लहर तब थी, अब किसान आंदोलन, 3 कृषि विधेयक आए, उससे किसान धरने पर बैठे, उसके बाद सरकार ने बिल वापस लिए, अब जयंत और अखिलेश दोनों साथ में हैं और ब्रज क्षेत्र जो केंद्र बिंदु माना जा रहा है इस गठबंधन का, क्योंकि यहाँ जो किसान मतदाता हैं, जो जाट मतदाता हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में ये लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का उत्सव है। हर दल मैदान में रहेगा, हर वर्ग मैदान में रहेगा। जो आपने किसान का मुद्दा, मुझे लगता है कि किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर किसी ने किए तो मोदी जी की नीतियाँ और योगी जी का इम्प्लीमेंटेशन। आप गन्ना किसान, वो कहते हैं हमारी चीनी मिलें बंद हो गई थी, अखिलेश जी ने भी कुछ नहीं किया, मायावती जी ने कुछ नहीं किया, इन्होंने मिलें चालू की। दूसरा, गन्ने का रेट भी बढ़ाया, तो किसान दुखी कहाँ है? किसान तो कहता है कि हम तो मोदी और योगी के साथ हैं। ये जो आप जो किसान कृषि बिलों का विषय बता रहे हो, ये बिल जब वापिस ही हो गए तो मुद्दा भी समाप्त हो गया। चुनाव अब गर्मी और चर्बी पर है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो शिमला बना देते हैं मई जून की गर्मी में भी। देखिए, चुनाव में मैंने फिर आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी शायद कल हमारा घोषणा पत्र मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र जारी भी करेगी। चुनाव में हमारे डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो ही मुद्दे हैं, इसी के आधार पर चुनाव है। तो 10 फरवरी को जब मतदान होगा और मतदान के समय जब मतदाता ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो उन्हें 5 साल के गुड गवर्नेंस का ध्यान भी रहेगा और विपक्ष के वादों के भी ध्यान रहेगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता जब ईवीएम का बटन दबाएगी और 10 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो किस दल की सरकार बनेगी। बहरहाल, सभी दल अपनी अपनी संभावनाएं जरूर देख रहे हैं। अपने साथी इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।